सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पोर्ट टिप्स पर। दोस्तों, तो बात करने जा रहे हैं कि सेरामिक इंजीनियरिंग में आप अपना करियर कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे अपने करियर को ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए, जिसके बाद क्या है कि करियर का चुनाव आप अच्छे से कर पाए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सेरामिक इंजीनियरिंग के बारे में। दोस्तों, आज के टाइम में क्या है कि सेरामिक इंजीनियर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। दोस्तों, सेरामिक इंजीनियर मिट्टी, बालू, क्ले और चीनी मिट्टी जैसे कई जो पदार्थ होते हैं उनके उपयोग से क्या है कि बर्तन, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पदार्थों का क्या है कि निर्माण करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सेरामिक जो पदार्थ है वो क्या है कि बिजली के क्या है कि कुचालक होते हैं, इसलिए क्या है कि इन सब का उपयोग क्या है कि इन सब चीज़ों के निर्माण में किया जाता है। और करियर के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप अपना आराम से है ना सेरामिक इंजीनियर बनके आप अपना करियर जो है काफ़ी अच्छा खासा बना सकते हैं। अब दोस्तों, सेरामिक इंजीनियरिंग करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो दोस्तों उसकी बात कर लें, यानी दोस्तों योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप साइंस स्ट्रीम से आपका 12वीं पास होना ज़रूरी होता है। उसके बाद क्या है कि बीटेक कर सकते हैं जो कि 4 साल की होती है। इसके अलावा क्या है कि आप बीई कोर्स भी आप कर सकते हैं, और आप क्या है कि आईआईटी जैसे क्या है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनको पास करके क्या है कि आप कॉलेज वगैरह में आप एडमिशन वगैरह पा सकते हैं, और क्या है कि वहाँ पे एडमिशन लेकर क्या है कि अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस क्षेत्र के अंदर क्या है कि आप एमटेक भी आगे की डिग्री आप कर सकते हैं, और इसके साथ साथ दोस्तों डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। अब दोस्तों कहाँ से करें दोस्तों ये कोर्सेज, तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि अगर आप करना चाहते हैं तो दोस्तों आप गूगल सर्च करके चेक कर सकते हैं कि आपके आसपास में कॉलेजेस कौन कौन से हैं जहाँ से कि आप ये कोर्सेज वगैरह कर सकते हैं सेरामिक इंजीनियरिंग के अंदर। तो दोस्तों जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके आसपास के कॉलेज की लिस्ट आ जाती है, उनमें से किसी कॉलेज के अंदर जाकर क्या है कि पूरी जानकारी आप ले सकते हैं, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है उसके बाद क्या है कि एडमिशन वगैरह वहाँ पे मिल सकता है। या फिर दोस्तों आप ऐसे नहीं लेना चाहते दोस्तों, आप एंट्रेंस एग्जाम है जो आईआईटी का उसके द्वारा भी आपको एडमिशन वगैरह मिल जाता है और आप अपना करियर जो है बेहतर बना सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर जॉब की बात करें तो दोस्तों जॉब कहाँ कहाँ मिल सकती है आप सेरामिक इंजीनियरिंग करने के बाद, तो दोस्तों जैसे ही आप सेरामिक इंजीनियरिंग कर लेते हैं उसके बाद क्या है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर सेरामिक जो भी पदार्थ होते हैं उनको बनाने वाली जो भी कंपनियाँ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, उनके अंदर क्या है कि आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद जॉब भी कर सकते हैं। और इसके अंदर सैलरी वगैरह की बात करें दोस्तों, सैलरी आपको वैसे तो स्टार्टिंग में ही अच्छी खासी मिल जाती है, लेकिन दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है। आपको क्या है कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है वैसे वैसे पोस्ट बढ़ती है, पोस्ट बढ़ती है तो आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है, और सैलरी बढ़ती जाती है तो आपको क्या है कि पैसे की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती है इंजीनियरिंग के अंदर। बट लेकिन आपको नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए सेरामिक इंजीनियरिंग के तौर पर। अब दोस्तों वहीं अगर बात करें दोस्तों आपको पोस्ट कौन कौन सी मिलती है, तो दोस्तों आप एक प्रोजेक्ट सुपरवाइजर बन सकते हैं, टेक्निकल कंसल्टेंट बन सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग इंजीनियर बन सकते हैं, इसके अलावा सेरामिक एक्सपर्ट बन सकते हैं, इसके अलावा सेरामिक आप एक टीचर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि करियर के लिए ना काफ़ी सारी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, करियर के काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, यानी कि स्कोप काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर सेरामिक इंजीनियरिंग के अंदर है। आप अच्छा खासा जो आप सैलरी पैकेज के साथ क्या है कि अपना करियर बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।